हाय फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और देखिए, कुछ दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे, जो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि यार मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मेरी कुछ हेल्थ इशूज़ चल रही हैं जिस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। तो ये हमारी आप समझ सकते कि एक तरह से सेकेंड इनिंग है, तो इसलिए मैं आप लोगों का वेलकम बैक भी कर रहा हूँ कि यार वेलकम बैक। और आज से देखिए, ये हमारी एक पूरी स्ट्रेटजी वीडियो होगी जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे 2018 CGL, 2017 CHSL और भी कई सारे जो एग्ज़ाम हैं जिनकी सिमिलर स्ट्रेटजी होगी CGL की तरह, तो उनके लिए कैसे तैयार करें, क्या हमारा डेली रूटीन रहेगा हमारे चैनल का, तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आगे हम बढ़ें तो इस वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के कंटेंट की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है, हम अपने टारगेट को देखेंगे, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी। ठीक है, कि आने वाले टाइम में हम डेली क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, कैसा हमारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है, किस चीज़ों की हमारी ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रेटजी पर मैं अलग से वीडियोस पूरी बनाऊंगा, पर इसमें एक शॉर्ट ब्रीफ आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखेगा आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, अभी तो किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उन सब के लिए कह रहा हूँ जो भी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर जो आगे चल के अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर जिनकी तैयारी भी जस्ट स्टार्ट हुई है थोड़े दिन पहले ही, तो उनके लिए सबसे बढ़िया जगह है ये, क्योंकि मैं एकदम जैसे आपकी कोचिंग होती है उसी तरह एकदम डेली टू डेली वीडियो एक फिक्स टाइम में आपकी अपलोड करा करूँगा, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एक रूटीन बना रहेगा, एक डिसिप्लिन की तरह से हम चलेंगे, तो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो वही मैं कहूँगा कि आप मुझे अब जो है ना, वो पहले तो क्या था कि चलिए सिर्फ यूट्यूब से काम चल रहा है, पर अब आपको FB पे भी फॉलो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए जो भी सारे नोट्स होंगे, जो भी अगर कुछ PDFs होंगे जो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेंगी, वो सब मैं आपको कहाँ दूंगा, वो मैं आपको FB पे या फिर मेरा ब्लॉग है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे अभी तक FB पेज पे नहीं गए SSC Mindset पे, तो आप वहाँ जाके मुझे भी लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट क्या है, अब आता हमारा मेन टारगेट। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले कि आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विदाउट ड्रीम्स हम कहीं नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, अगर हमारा कोई सपना नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम किसी काम के नहीं है। अगर हमें यही नहीं पता कि मैं जाना कहाँ है, तो हम किसी भी पाथ पर नहीं चल सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको अपना टारगेट बना के चलना होगा कि ऐसे ऐसे CHSL में जाना चाहते हैं, CGL या CPO में जाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिनका पैटर्न जो है वो बहुत ही सेम है, उन वो भी हमारा टारगेट रहेगा। किस लिए कि आप देखिए, सिर्फ इन तीन एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकते, आप और भी कैसे एग्ज़ाम देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी, तो अगर ऐसा होता है तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए, कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ छोटे एग्ज़ाम भी भरने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो किसी भी छोटे एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन एक बार हो जाएगा, कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, और उसके साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन उस छोटे एग्ज़ाम्स में हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए छोटा एग्ज़ाम हम भर रहे हैं, जैसे भी राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का निकला है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार मैं कांस्टेबल का क्यों भरूं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बाय चांस किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उल्टा घर वालों को उसकी ज़रूरत है, तो आप उसमें लग जाइए, आपको जो भी सैलरी मिलेगी उससे आपके घर वालों को हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपनी आने वाली तैयारी CGL की तैयारी कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, हमारा टारगेट बता दिया, उसके बाद आएगी हमारी स्ट्रेटजी। देखिए, इसके ऊपर आपको सिर्फ तीन चीज़ों की स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कौन सी बुक रखनी है। ठीक है, बुक बहुत सारी है मार्केट में, पर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, देखिए मैं इसके ऊपर से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बुक्स के ऊपर, ठीक है, और मॉक टेस्ट के ऊपर। ये जो एक पूरी स्ट्रेटजी होगी, इसकी अलग से वीडियो आएगी हर सब्जेक्ट की, और ये जो स्ट्रेटजी होगी ना, ये सिर्फ बुक्स और मॉक टेस्ट की होगी, और अलग से एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, चैप्टर टू चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी सिंगल वीडियो में पूरी मैथ की स्ट्रेटजी बता दी, नहीं ऐसा नहीं करना, सिर्फ अलग टू अलग। देखिए, आपको मेंसुरेशन कैसे करना है उसकी अलग स्ट्रेटजी होगी, ट्रिग्नोमेट्री कैसे करना है उसकी अलग स्ट्रेटजी होगी, तो हर जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा उससे पहले एक वीडियो उसकी स्ट्रेटजी की आएगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या रखना है, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, वो सारी मैं उसमें बताया करूँगा। तो जिससे क्या है कि आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ यार अगला चैप्टर ये आ रहा है और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है।
तो बुक्स, मॉक टेस्ट और इंटरनेट रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारी स्ट्रेटेजी आने वाली रहेगी। ठीक है, अब बात करें देखिए हम शेड्यूल की, तो अगर शेड्यूल की बात करें तो देखिए ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है हमारा, जब तक हमारा चलेगा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, लगभग 100 डेज़ का पूरा एक रहने वाला है ये मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है 100 डेज चलेगा। तो देखिए इसमें मंडे को हम क्वांट करा करेंगे, ट्यूसडे को इंग्लिश करा करेंगे, वेनसडे को जीएस के अंदर देखिए हम सिर्फ स्टैटिक जीके को हटा दे रहे हैं, स्टैटिक जीके मैंने सैटरडे में लिया है। ठीक है, इसके अंदर आपका साइंस, ओके, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी जो मेन सब्जेक्ट हैं जीएस के वो लेंगे। उसके बाद रीजनिंग है देखिए आपकी, फ्राइडे को मैथ्स दोबारा ले रहे हैं क्योंकि देखिए मैथ्स को हम एकदम डीपली और बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम उसको 2 दिन लेंगे आपका। ठीक है, क्वांट या मैथ एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। उसके बाद देखिए संडे को हमारा जो होगा, संडे को पहले मैं सोच रहा था कि सैटरडे को मैं खाली रख दूँ, तो मैंने सोचा नहीं यार सैटरडे को गैप नहीं रखते, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने स्टैटिक जीके का ले लिया कि जो भी स्टैटिक जीके है जैसे आपके फॉरेस्ट हुए, आपके नेशनल पार्क्स हुए, ये सब स्टैटिक जीके हैं, तो इन सब की PDF प्लस एक वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा सैटरडे को। और संडे की बात करें तो कि संडे को एक मॉक टेस्ट होगा जो ब्लॉग और अभी भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिया करूँगा उसी टॉपिक का जो मैंने आपको उस वीक पढ़ाया है। ठीक है, तीनों का, जैसे अगर क्वांट का मैंने आपको कोई मान लीजिए मैंने अर्थमेटिक पढ़ाया तो अर्थमेटिक के 20-25 क्वेश्चन मैं आपको ब्लॉग पे दिया करूँगा PDF फाइल के रूप में, और इंग्लिश के भी, जीएस के भी और रीजनिंग के भी, तो इन चारों के आपको मॉक टेस्ट अलग अलग PDF में आपको उस वीक के मिल जाया करेंगे। ठीक है, ब्लॉग पे भी और FB पे भी संडे को ही। और साथ ही साथ देखिए जो एक करंट अफेयर्स होगा वो आपका हर संडे आएगा, वीकली करंट अफेयर मैं आपको दूंगा, मंथली नहीं दूंगा, वीकली उस वीक में जितने भी करंट अफेयर होंगे वो सब आपको संडे को प्रोवाइड हो जाया करेंगे, मंडे टू संडे के बीच में। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। और एक फिक्स टाइम कर दूंगा कि देखिए ऐसा नहीं कि मैंने दिन में कभी भी डाल दिया, एक फिक्स टाइम होगा। ठीक है, कि मान लीजिए आपकी सुबह 9 बजे एक वीडियो आनी है, तो अगर 9 बजे का मैंने टाइम बनाया तो मैं डेली 9 बजे ही वीडियो अपलोड करा करूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने कभी 9 बजे कर दिया, कभी 12 बजे कर दिया, कभी रात को कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक फ़िक्स टाइम होगा। और मेरे ख्याल से देखिए मैं टाइम आपका लगभग 10 से 11 के आसपास का रखने वाला हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से मॉर्निंग टाइम बेस्ट है, आप लोग सब तैयार होंगे अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको मॉर्निंग टाइम दिया करूँगा। आप बाकी फिर आप जब आप फ्री हो तब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप रेडी रहिए और प्रिपेयर रहिए, क्योंकि 2018 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगी, और साथ ही साथ ये जो साल है 2018, ये सरकारी जॉब्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि 2018 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, तो देखिए ये एक मैंने थोड़ा सा बस एक चीज़ डाली है कि आप समझ सकें कि एक जो एक फ़ोटो एक पिक्चर होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, पूरी बुक पढ़ते हैं, पूरी बुक का एक एक पेजेस खोल खोल के देखते हैं, तो आजकल वो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि देखिए बुक के अंदर 500 पेज होते हैं और आपको सारे पढ़ने होते हैं। इससे अच्छा अगर आप मेरी माने तो आप इंटरनेट का सारा ले सकते हैं, देखिए वीडियोज़ हुआ आपका, पिक्चर्स हुई, ठीक है, तो एक वीडियो के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बहुत सारा डाटा है, वो अमाउंट है, वो एक साथ रख सकती है। तो अब आप सोचेंगे मैं बुक से पढ़ूंगा, देखिए मैं भी बुक के ही थ्रू पढ़ाऊंगा, पर उसको बहुत कंप्रेस करके आपको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में आपको पूरी बुक कराऊंगा, वो भी डिटेल में समझने के साथ आपको। तो ये एक चीज़ थी कि बुक से पढ़ना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बोर भी हो जाएंगे प्लस आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये पूरा एक स्ट्रेटजी थी हमारी कि हमारे आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, ये तैयारी की स्ट्रेटजी नहीं थी, ये हमारे चैनल की स्ट्रेटजी थी कि हम क्या करने वाले हैं। तो आई होप कि आप देखिए आप पार्ट बनेंगे हमारे इस मिशन का जो SSC है 2018 के लिए। ठीक है, तो अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ भी आपको पूछना है यार, कुछ भी सुझाव देना है आने वाली स्ट्रेटजी के लिए, कुछ कमेंट करना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे। ठीक है, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा कि क्या मैं चेंजेस लाऊं अपनी स्ट्रेटजी में, क्या मैं नया ला सकता हूं आप लोगों के लिए, आप मुझे उसमें बताइए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।